दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं अगर आप अपनी वृद्धावस्था पेंशन की स्थिति आपकी वृद्धावस्था पेंशन आई है या नहीं है। अगर आपकी वृद्धावस्था पेंशन नहीं आई और आप पता चलता वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वालों की आपकी वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी कैसे आएगी अगर आपकी आ गई है आप इस स्टेट देख रहे हैं तो उसे बताने वृद्धावस्था पेंशन के पैसे को कैसे चेक करें आपको वृद्धावस्था पेंशन आई है या नहीं सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वालों की आपको वृद्धा पेंशन कैसे चेक अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं पता तो उसे ही बताने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से पता है कैसे निकालें सारी जानकारी आज की इस वीडियो बताने मतलब तो वीडियो को अंत तक बने रहे चैनल पहली बार आए हैं चैनल से वीडियो को लाइक करना ना बोलो चलो वीडियो शुरू करते हैं वृद्धावस्था पेंशन की स्थिति देखने के वृद्धावस्था पेंशन आई है या नहीं है कब आएगी उसकी स्थिति देखने जाएगी सबसे पहले अपने फोन में गूगल अकाउंट में ओपन करना है उसको सर्च ऑप्शन में टाइप करना है यूपी पेंशन यूपी पेंशन डालने के बाद आपको फोन सबसे ऊपर लिंक आता है यूपी पेंशन स्कीम यूपी एस एस यूपी गोविंद सिंपल है आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है इसी के ऊपर क्लिक करने में आपको पेंशन की जो ओपीएल साइड है आप उस पर लॉग हो जाता है इस साइड के को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से भी डायरेक्टली आ सकते हैं डायरेक्टली आने के बाद आपको यहाँ से नीचे स्टोल कर सबसे पहले आपको वृद्धवस्था पेंशन का दूसरे नंबर आपको नक्सित महिला पेंशन तीसरे में आपको दिव्यांग पेंशन आपको जो सी पेंशन चेक करने वृद्धवस्था पेंशन विधवा तो पेंशन या विकलांग पेंशन आप जिस भी तरह की चेक करना चाहते हैं उसके योजना के विषय को ऊपर क्लिक जैसे मैं पेंशन चेक करने वाला हूं तो मैं इसी की योजना के विषय को ऊपर के लिए कर देता हूँ योजना के विषय को ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से नीचे स्टोल नीचे इंस्टॉल करने के बाद आप जिस भी वर्ग की पेंशन सूची चेक

लेते हैं डिस्ट्रिक्ट का चयन करने वाले डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक है उनकी पूरी डिस्ट्री निकल के आ जाती है उसके बाद आप जिस भी ब्लॉक में रहते हैं जिस भी ब्लॉक के यहाँ वृद्धावस्था पेंशन जाएगा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का ब्लॉक का चयन करके यहाँ से कर सकते हैं उसके बाद आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं शहरी क्षेत्र की वृद्धावस्था पेंशन चेक शहरी क्षेत्र का ऑप्शन चमकता है तो इसका बिलोक का चयन चय कर सकते जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं तो मैं यहां से ग्रामीण क्षेत्र का कालोक तो का चयन कर तो ग्रामीण क्षेत्र का विलो का चयन करने आपके ग्रामीण क्षेत्र के बिलो में जितने भी गांव पंचायत है तो यहां सो उसके बाद जिस भी गांव पंचायत पेंशन विधवा पेंशन विकलांग पेंशन तरह का पैसा को चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं

तो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना रजिस्ट्रेशन कॉपी करने के बाद आपको गूगल जाने। जाने ओपन करना है डालने के बाद आपको यहाँ सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने बाद आपको सबसे ऊपर लिंक आता है पी एफ एम एस नाइस इन पी एफ एम एस इसी के ऊपर क्लिक कर देना इसी के ऊपर पी एफ एम एस की ओपीओ साइड है आप उस पर लॉगिन इन हो जाए तो उसका यहां से नीचे इंस्टॉल करना नीचे इंस्टॉल करने में आपको इसी में एक ऑप्शन चुमक है पीएफ में डैशबोर्ड का तो इसी में आपको थर्ड नंबर पर ऑप्शन चमकता है ट्रैक डिबिटी डिटेल का तो सिंपली आपको इसी के ऊपर गली कदर ट्रैक डिबिटी डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करने में आपको यहाँ कैटेगरी डालने का ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने में कैटेगरी जो भी है तो आपको यहां से नीचे इंस्टॉल स्टॉल आपको एक ऑप्शन चमकता है इसी में एनी अदर एक्सेस सिस्टम का तो आपको इसके ऊपर गली कदर इसके ऊपर डिबिटी स्टेटस में आपको पेमेंट ही उसको आपको नीचे ऑप्शन चमकता है एंटर बेनिफिशियरी स्टेटस का तो आपको इसे छोड़ देना छोड़ने नीचे ऑप्शन होता है एंटर एप्लीकेशन आईडी का तो आपका जो भी रजिस्टर कॉपी कर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ डाल देना गा। गा। है रजिस्ट्रेशन नंबर डालने में आपको नीचे ऑप्शन है कैप्चो कोड का तो आपको जो भी कैप्चो कोड चाहे सेम कैप्चो कोड इस बॉक्स में फिल कर देना है रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चो कोड डालने में आपको एक नीचे ऑप्शन है सर्च का तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पेंशन की स्थिति है आपको जो स्टेटस पैसा आया है या नहीं है उसकी जो स्टेटस है वो आपके यहाँ निकल के आज क्या पैसा कितना आया कब आया कितनी तारीख को आया जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपका पैसा आया है नहीं है तो आया नहीं है तो किस वजह से नहीं आया है उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ सबसे पहले आपका एप्लीकेशन का आई

तो यहाँ सो और इसका हमें पैसा आया है कब आया उसकी ट्रांसफर स्थिति है कितना पैसा आया है कौन से बैंक अकाउंट में चार चार्ज यहाँ सो उसके तो अलावा पैसे जो है आधार से लेंगे अगर आपको पैसा जो किस्त तो नहीं आई है वो किस वजह से नहीं आई तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं सो किस वजह से आपकी किस्त तो नहीं आई है तो वो भी यहाँ सो होता तो अगर अभी पेंशन चेक करना हो दबस्त पेंशन आई है या है, इस पे पे है, नहीं, है, नहीं है उसकी स्थिति को देखने पेंशन आई है या नहीं है किस वजह से नहीं आई है उसकी स्थिति क्या है कब आएगी अगर आप तो तो चेक करना चाहते हो इस तरीके से आप दबस्त पेंशन चेक कर सकते हैं आई है या नहीं है आप ऑनलाइन देखना चाहते तो इस तरीके चेक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और उसनेक्सीवन ना बोले